السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

तरक से है जिसका माना खटखटाना है या जोर से मारना है जिससे आवाज़ पैदा होती है और अरबी ज़बान में मित्र का हतोरा भी इसी से और तारीख़ भी इसी से मुश्तक है क्योंकि रास्ते पर चलने से क़दमों की आवाज़ आती है और तारिक रात को, 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 को आने वाले को भी कहते हैं तारिक रात को आने वाले को खटखटाने को भी कहते हैं रात को आने वाले को भी कहते हैं क्योंकि जो रात को आता है उसको दरवाज़ा खटखटाना पड़ता तो अल्लाह आलमीन इरशाद फरमाते हैं उस समय व तारिक कसम आसमान की व तारिक और आने वाले की नमूदार होने वाले की रात को आने वाले की यानी मुख्तलिफ़ माना है, लेकिन यहाँ माना रात को आने वाले की हमायद्रा का तारिक और तुझे क्या मालूम कि तारिक क्या है या रात को आने वाला क्या है या रात को नमूदार होने वाला क्या है नजमब वो तो रोशन सितारा है तारिक का जो मतलब है जो यहाँ पे मुराद लिया गया है वो रोशन सितारा तारिक का एक माना, क्योंकि अरबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ के कई कई मानी होते हैं और उसका इस्तेमाल उस जगह के अतबार से मौका महल के अतबार से इस्तेमाल के अतबार से उसका तर्जमा किया जाता है तो तारिक का माना खटखटाना है तारिक का माना नमोदार होना है तारिक का माना आने वाला है लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्योंकि जो सितारे हैं वो भी नमोदार होते हैं दिन के बाद के जब रात आती है तो फिर वो सितारे नमोदार होते हैं या दिन के बाद जब रात आती है तो सितारे भी आ जाते हैं तो रोशन कसम है आसमान की और रात को आने वाले की और तुम्हें क्या मालूम कि रात को आने वाला या नमोदार होने वाला क्या है वो रोशन सितारा है तो आपको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो जब किसी चीज़ की कसम उठाते हैं तो उसका मतलब उस माना के अंदर ताक़द पैदा करना होता है यानी जो बात आगे आने वाली है उस बात की ताक़ के लिए अल्लाह ताला कसम उठाते हैं वैसे अल्लाह ताला जो बात कर दें बग़ैर कसम के वो भी पुख्ता हक और सच है लेकिन ताक़द पैदा करने के लिए उस बात में ज़ोर पैदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बात की कसम उठाकर फिर आगे अपनी बात को बयान करते हैं तो फरमाया कि इन लम्मा नफ्सा हाफिज़ नहीं है कोई नफ्स और जान मगर उसके ऊपर एक निगरान एक हिफाजत करने वाला एक निगेबान मौजूद है तो यहाँ पर कसम इसी बात की ताक़द के लिए और इस बात की शहादत के लिए गवाही के लिए कसम उठाई गई है इन इनायात में अल्लाह ताला ने आसमान पर चमकने वाले सितारों की कसम उठाकर फरमाया यानी यहाँ पर तारिक से मुराद रोशन सितारा और रोशन सितारे की और आसमान की इन दो चीज़ों की अल्लाह ताला ने कसम उठाई वसमाई व तारिक कसम है आसमान की और कसम है रोशन सितारे की आगे अपनी बात फरमाई कि इनकुलफ सिफ़ के नहीं है कोई जान मगर उसके ऊपर एक मुहाफ़ एक निगेबान एक निगरान मुक़र है तो इसके मुख्तलिफ़ माना है कि हमारे ऊपर निगेबान और हिफाज़त वाले या तो मतलब ये कि आसमान और सितारों का ये अजीम शान सिलसिला जो बग़ैर किसी सहारे के क़ायम है और जिसमें कोई ख़राबी हादसा पेश नहीं आता इस बात की शहादत और गवाही दे रहा है कि जिस कादर मुतलक ने इन आसमानों और सितारों की हिफाजत का इंतज़ाम कर रखा है वही हर जान की भी हिफाजत कर रहा है एक माना ये इन नफ्स लम्मा आलिया हाफिज़ हर जान पर हर नफ्स पर मुहाफिज है निगेबान है इसका एक मतलब यह है कि जिस तरह अल्लाह बगैर सतूनों के इस आसमान की और बगैर किसी सहारे के ये सितारों की हिफाजत कर रखी और इस निज़ाम को कायम किया हुआ और इसको चलाया जा रहा है इसमें कोई ख़राबी नहीं पेश आती ये आसमान गिरता नहीं है आसमान टूटता नहीं है सितारे आपस में टकराते नहीं हैं सितारे गिरते नहीं हैं सितारे अपने टाइम पर आते हैं और अपने टाइम पर चले जाते हैं ये शान जो निज़ाम बग़ैर किसी सारे के क़ायम है ये इस बात की गवाही दे रहा है कि जिस क़दर मुतलक ने इनकी हिफाजत का इनके निजाम का इंतज़ाम कर रखा इसी तरीके से वो हर नफ्स की और हर जान की भी हिफाजत कर और हर चीज़ का असल हाफिज भी वही है हर चीज़ का असल हाफ वही है अगर वह एक लम्हे के लिए अपने इस निज़ाम से तोज्ह हटा ले एक लमहे के लिए अपने इस निज़ाम को छोड़ दे सब कुछ फना हो जाए अगर अल्लाह ताला जो इस निजाम को चलाने वाला है अगर वो इससे तवज्जो हटा ले या इसको बे लगाम बे मुहार छोड़ दे तो ये सारा निज़ाम गड़बड़ हो जाए चांद सितारे सूरज आपस में टकराने लग जाएं दिन पहले निकल आए रात बाद में आ जाए रात पहले निकल आए दिन बाद में निकल आए यानी सूरज अपने टाइम के बजाय किसी और टाइम में निकलने लगे चांद सूरज जो है वो जो उसका टाइम मुकर्र है सुबह आठ बजे उसके बजाय वह रात को आठ बजे निकलने लगे चांद जो है उसने रात में निकलना वो दिन में निकलने लगे अगर अल्लाह ताला इसकी हिफाजत का निज़ाम इसकी इस निज़ाम की हिफाजत ना करे इसका इंतज़ाम ना फरमाए इसकी तरतीब का ख्याल ना करे इस पर तवज्जो ना रखे इसको बेलगाम छोड़ दे तो ये सारा निज़ाम तलपट हो जाएगा बदल हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगी सारे निज़ाम की लेकिन हर चीज़ अपनी तरतीब के साथ है हर चीज़ अपने टाइम के साथ हर चीज़ अपने सीरियल के साथ है हर चीज़ अपने तनासब के साथ है एक जर्रा बराबर उस निज़ाम में कोई ख़लल और कोई चीज़ आगे पीछे नहीं हो होती जबकि इंसान का जो बनाया हुआ निज़ाम होता है इंसान की जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं इंसान से उनसे तवज्जो हटा ले या उन पर तवज्जो ना दे या उनकी निगहदानी निगहदाश्त ना करे या निगहदाश्त भी करे तब भी वो निज़ाम ख़राब हो जाता है उसमें कमी आ जाती है उसमें कोताही आ जाती है वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं वो चीज़ें गड़बड़ का शिकार हो जाती बावजूद उस निज़ाम की हिफाजत करने के लेकिन अल्लाह का जो निज़ाम है वो बगैर किसी सुखम के बगैर किसी नक्श के बगैर किसी कमी के और बग़ैर किसी गड़बड़ के वो अपनी जगह पर जारी और सारी और वो निज़ाम कायम है और वो सिलसिला चल रहा है और वो बाफाजत कायम उदायम तो जिस तरह एक और इसका मतलब ये कि उसने शैतानों से आसमानों की हिफाजत सितारों के ज़रिए किए पिछले हमने पढ़ा था ना पिछली सूरत में कि जो है वो शायातीन बातें सुनने की कोशिश करते हैं फिर वो जो है उनको जो है साकिब से उनको मारा जाता है जलाया जाता है वो साकिब दरअसल सितारों क्या कह, कहा जाता है कि सितारों के टुकड़े होते हैं जो टूट टूट के उन शैतानों के ऊपर लगते हैं और वो जल जाते हैं तो जिस तरह शैतानों से आसमानों की हिफाजत अल्लाह रबुलमिन ने सितारों के ज़रिए की है इसी तरीके से आफात से हिफाजत आफात से मुसीबत से परेशानी से बचाव के लिए हर शख्स के लिए हर नफ्स के लिए अल्लाह तब बारी बारी आने वाले फरिश्ते मुकर किए जो सुबह कुछ और फरिश्ते होते हैं शाम को कुछ और फरिश्ते जो इन नफूस की इन जानों की इन इंसानों इन की हिफाजत करते हैं इससे एक मुराद ये भी कि जिस तरह अल्लाह ताला ने आसमानों की हिफाजत सितारों के जरिए फरमाई इसी तरह इंसानों की हिफाज़त फरिश्तों के जरिए फरमाई है इसीलिए फरमाया कि इनकुल्फलम आल यह हाफ नहीं है कोई जान जिस पर कोई मुहाफ नहीं और इसकी मजीद तफसीर सूरतराज आयत नंबर ग्यारह के अंदर है और एक मुराद ये है इससे के उसके अमाल को लिख कर महफूज करने के लिए अल्लाह ताला ने किराबन का आतमीन मुकर कर दिए दाएं और बाएं कंधों पर जो फरिश्ते हैं जिनको हम किराबन का आतमीन कहते हैं दाएं कंधे पर नेकी लिखने वाला और बाएं कंधे पर इंसान के बुरे अमाल लिखने वाला एक मुराद ये है कि जो भी वो अमल कर रहा है उसके अमाल को लिख के महफूज करने के लिए हमने मुकर कर दिए मुहाफज और वह मुहाफ कौन है किराबन का आतमीन है जो इंसान के नाम अमाल को लिख के महफूज कर एक मुराद ही और एक मुराद यही है जैसे पहले जिक्र किया अल्लाह ताला ने इसके अलावा यानी क्रामन कातिबीन के अलावा दूसरा माना इससे मुराद ये है कि रामन कातबबीन के अलावा वो तो अमाल को लिख रहे हैं अल्लाह ताला ने बंदों की हिफाजत के लिए भी फ़रिश्ते मुकर किए जो उसके आगे होते हैं जो उसके पीछे होते हैं जो उसके दाएँ होते हैं जो उसके बाएँ होते हैं जो उसको आफात से मुसीबत से आजमाइश से परेशानियों से भलाओं से और मख्तल किस्म के हादसा से उसको महफूज रखते हैं हम कहते हैं न बच्चा है, जब किसी हादसे से बच जाता है हम कहते हैं देखो अल्लाह इसकी हिफाजत कर रख फरिश्ता इसकी हिफाजत कर रहा है तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्र किया हुआ अपने बंदों की इंसानों की हिफाजत के लिए तो इससे एक मुराद ये भी है एक मुराद तो यह है कि हर नफ्स पर मुहाफ़ निगे है निगेबान है निगरान है उसकी निगरानी कर रहा है ये बंदा क्या क्या कर, कर रहा है उसकी हर हरकत पर उसकी नज़र है उसको वो नोट कर रहा है अल्लाह की तरफ से मुहाफ़ या अल्लाह उसका मुहाफ़ है या फिर फरिश्ते उसके मुहाफिज हैं जो वैसे उसकी हिफाजत कर रहे हैं हादसा से परेशानियों से और जो है तकलीफ़ों से और मुसीबतों से आगे फ़रमाया कि फलियांद मिम्मा खलिक हर इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया हर इंसान को देखना चाहिए देखा जाना चाहिए उसको अपनी तख्लीक के मामले पर गौर करना चाहिए इंसान बड़ा तकबर करता है बड़ा घमंड करता है बड़ा फ़खर करता है अपने आप को कोई चीज़ समझता है थोड़ा सा उसको उदा मिल जाए थोड़ा सा उसको रुतबा मिल जाए थोड़ा सा उसको सल्तनत मिल जाए थोड़ी सी उसको पावर मिल जाए थोड़ी सी उसको दौलत मिल जाए इंसान अपने आप को इस ज़मीन के ऊपर अपने आप को खुदा समझने लगता है इस ज़मीन के ऊपर अपने आप को खुदा समझने लगता है अपने आप को कोई चीज़ समझने लगता है फिर वो अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करता है उनके ऊपर हुकूमत करता है उनके ऊपर जबर करता है उनके ऊपर जो है वो म सितम के पहाड़ तोड़ता है अपने आप को मबूद कहलाता है लोगों को अपनी इबारत पर मजबूर करता है लोगों को अपनी ताद पर मजबूर करता है लोगों से गलत काम करवाता है ये हर दौर के अंदर ये वक्त के फिरौन रहे हर दौर के अंदर हम तो एक फिरौन एक मिसाल बन गया ना हर दौर के अंदर फिरौन रहे हर दौर के अंदर जिसको भी कुछ पावर मिली ताकत मिली कुवत मिली इकतदार मिला अख्तियार मिला वो जो है वो फिरौन बन गया जैसे हमारे पाकिस्तान में एक फिरौन गुज़रा है हाल ही में प्रवेज़ मुशर्रफ़ अब उसकी हालत तो देखें पिछले दिनों उसकी मौत की खबरें फैली थी तो मुख्तलि लोगों ने तबसरे किए थे और फिर जो वो ऐलान किया गया जी हम उसको वापस जो है अपने मुल्क में लाना चाहते हैं तो वो अपने मुल्क में जो है वो आखिरी सांसें और यानी उसको ऐसी बीमारी हो गई है अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे ये वो शख़्स था कि जिसने बात साथी सोचेंगे कि सियासत की बात सियासत की बात नहीं है अल्लाह ताला ने जो कुरान नाजिल किया है जो आयतें नाजिल किए हैं जो सूरतें किए हैं इसमें किसस हैं इसमें इबरतें है, पिछले वाक़ात का भी अल्लाह ने ख़ुद जिक्र किया वाक़ किससे बयान किए पिछली उम्मतों के पिछली कौमों के पिछले बादशाहों के ये फ़िरौन के ये नमरूद के ये हमान के ये मूसा इस्लाम के इब्राहम सलाम के और उनके बादशाहों के साथ मामलात अल्लाह ने, ने खुद कुरान में जिक्र किए किस लिए नसीहत के लिए इबरत पकड़ने के लिए कि भाई पहले उम्मतों और पहले हुक्मरानों के और पहले बादशाहों के पहले ममलिकतों के पहले मलूकों के ये हालात रहें तुम आगे बयान बि करने का मकसद क्या है कि आगे आने वाली नस्लें कौमें लोग वो मुतनबे हो जाएं वो तम भी इख्तियार कर ले वो नसीहत इख्तियार कर ले अल्लाह ताला बार बार कुरान में फरमाता है कि ये नसीहत है फलाह या तब्बरल कुरान क्या लोग कुरान पर तदब्बर नहीं करते क्या लोग इससे नसीहत नहीं पकड़ते ये कुरान तो एक नसीहत है तो इसको आज के हालात पर भी मुंतबिक किया जा सकता है तो मैंने कहा कि हर दौर के अंदर फिरा रहा तो हम उसको अपने 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 वक्तों में लोग उसको देखते हैं कि जिसको ताकत मिली कवत मिली इकतदार मिला इख्तियार मिला उन्होंने लोगों के ऊपर जुल्म किए ज़्यादतियाँ की कि। तो आज वो शख्स के जो एक वक्त में अपनी हकूमत को दमाम बख्शने के लिए हकूमत कोवत बख्शने के लिए अपने खिलाफ उठने वाले एहतजाज को और अपने खिलाफ उठने वाली मुखालफों को और आवाज़ों को दबाने के लिए उसने अपने पालतू गुंडों का इस्तेमाल किया और उसके बाद उसी शाम ये मैं कराची वाक़े की बात कर रहा हूँ बारह मई का जब नहात्ते लोगों को उसकी पालतू जो सियासी जमात थी जो माफिया की सूरत में उनको खुलम खुला इख्तियार दे दिया गया और उन्होंने लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह सड़कों पर मारा जो लोग उस वक्त रैलियों की सूरत में जलसों की सूरत में जुलूस की सूरत में निकल रहे थे मैं इशारों में बात कर रहा हूँ लोग जो समझते हैं उस वाक्य को उनके इल में होगा कि जब वो एक ए, ए, शख्सियत के इस्तबाल के लोग निकले जो उस वक्त उसकी मुखालफत का एक इसहारा और निशान बन चुका था तो कैसे उन्होंने उस वहाँ की एक सियासी जमात को जो कि माफिया की सूरत अख्तियार कर चुकी उसको उन्होंने फ्री हैंड दिया और उन्होंने लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह सड़कों पर मारा सैकड़ों की तादाद में उस दिन लोग खाक और खून में नहलाए गए जो रेलियों की सूरत में जलसों की सूरत में गाड़ियों पर मोटरसाइकिलों पर पैदल निकले थे उनको भून दिया गया उस दिन कोई उस शहर के अंदर ऐसा लग रहा था कि कोई इंसानियत नहीं है कोई यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है कोई हुकूमत नहीं है कोई फोर्स नहीं जिसमें दरिंदों को भूखे दरिंदों को भेड़ बकरियों के ऊपर छोड़ दिया गया ऐसा यानी एक जंगल का मंजर था और उसी दन, दिन शाम में उन्होंने इस्लामाबाद में जलसा किया और वहां पर ये इस तरीके से इस शख्स ने कहा देखी अवाम की ताकत हालांकि वहाँ वा, वहाँ आवाम की ताकत नहीं थी वो रियासत की ताकत जो मजलूम अवाम पर इस्तेमाल की और आज उस शख्स की यह हालत है कहा जाता है था कल परसों शख्त मजमून पड़ रहा था उसमें किसी ने लिखा कि तारीख में जो मालूम तारीख है कहते हैं कि ये एक ऐसी नायाब बीमारी है जो अरबों इंसानों में से किसी एक को होती और वो बयान करने वाले ने तो ये तक बयान किया वो बात सच है या गलत है मुझे तो वो बात सही नहीं लगती उसमें उन्होंने कहा कि एक वो जो बुश था जिसने इराक पर बम्बारी करवाई थी इराक पर पहले हमला किया था जॉर्ज बुश उसको ये बीमारी हुई और एक शख्स उसमें मज़मून लिखने वाले ने लिखा कि फ़िरौन को भी ये बीमारी हुई थी बहरहाल फिरौन तो पानी से मरा था हो सकता है कोई और फिरौन हो क्योंकि उस दौर में जो भी बादशाह बनता था मसर का उसको फिरौन कहा जाता था मशहूर वो हो गया फ़िरौन जो हज़रत मूसा के मुकाबले में गर्क हुआ था लेकिन उस दौर में हर बादशाह को मसर के हर बादशाह को फिरौन कहा जाता था और वो जो फिरौन था वो रामीस था उसका नाम रामीज़ था फ्राइना मिसर इसीलिए कहा जाता था फ़रायना मिसर कि हर बादशाह उसका लकब होता था फिरौन लेकिन वो जो बादशाह था जो जजरत मूसी के मुकाबले में उसको गर्व किया गया उसका नाम असल रामीस रहीन मीम यासिन रामीस था लेकिन वो फ़िरन उसका लकब था तो बहरहाल ऐसी बीमारी है कहते हैं कि जिसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में अरबों इंसानों में किसी एक को करोड़ों इंसानों में एक को होती है और जिसका कोई इलाज नहीं जिसमें इंसान के आज़ात झड़ने लगते हैं और इंसान की बहुत बुरी हालत होती है तो आज उस फ़्रन की यह हालत है कि वो जो अपने आप को वल्ला उसके अमाल ऐसे ही थे उसका कि वो अपने आप को आना मुलाला उसने समझा हुआ था अब सारी क़वतें और ताकतें और इकतदार और इख्तियार फोर्स उसके पास हकूमत उसके पास अदलिया उसके कंट्रोल में हर चीज़ तो वो अपने आप को ऐसे समझता था वल्ला फ़ा तबिरफसार इबरत पढ़ो पकड़ो ए बसीरत वालो असीरत वालो इबरत पकड़ो आज उसकी जो हालत है सोशल मीडिया पर टी वी पर आगे पीछे आप देखते हैं जिस तरीके से उसकी कंडीशन है बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ है जो अपने आप हरकत भी नहीं दे सकता और जो वेंटिलेटर पे और लिक्विड ग़ज़ा के ऊपर बस सांसें जिसकी आ रही जा रही और जो दिन उसके गुजरते जा रहे हैं बद से बदतर वल्ला ये लोग लोग अभी भी यानी समझते नहीं हैं लोग इबरत नहीं पकड़ते लोग हासिल नसीहत हासिल नहीं करते जिसको थोड़ा इकतदार मिल जाता इख्तियार मिल जाता किस बंदे ने नसीहत हासिल की उसके बाद में भी आने वाले हुक्मरानों ने या उसके बाद में भी आने वाले इकतदार हासिल करने वालों किसी ने कोई नसीहत हासिल की तो उस शख्स का क्या आलम हुआ जो इस मुल्क का फिरौन था जो अपने आप को खुदा कहता था अपने अमाल के अतबार से लफ्ज़ों से ना सही लेकिन वो यही कहता था मैं और मैं बस मैं हूं जो मैं कहूं वही है आज उसका क्या आलम है अपनी सांसों पर उसका अख्तियार नहीं अपने जिसम पर अपने आदा पर बदतरीन यानी कैफियत के अंदर है ऐसी नायाब बीमारी है जो अरबों करोड़ों इंसानों में किसी एक को होती है और जिसका कोई इलाज नहीं कहाँ गई वो ताकत कहाँ गई वो दौलत कहाँ गया वो इकतदार कहाँ गई वो वो फोर्स हैं जो उसको बचाने के लिए उसको बचा के पाकिस्तान से भेजा गया दुबई ताकि उस पर केस ना चलाया जा जाए उसको सज़ा ना दी जाए दुबई भेजा गया इलाज के बहाने कहाँ गई वो फोर्स हैं और ताकतें अल्लाह अकबर अब कहा जा रहा है जी उसको मरने के लिए अपनी सरजमीन पर लाया जाए जिस सरजमीन के साथ गद्दारियाँ जिस सरजमीन के लोगों पर म जिस अवाम पे सितम मरने के लिए उस सरजमीन के अंदर लाया जाए अल्लाह जा। अकबर किसी ने बड़ी अच्छी बात की बल्कि रूस के सदर ने पिछले दिनों किसी ने इंटरव्यू कहा तो उसने कहा पाकिस्तान एक कब्रिस्तान है उन्होंने पूछा वो कैसे कहने लगे कि जब इस मुल्क को लूटते हैं इसके हुक्मरान इसके बड़े बड़े अशराफिया के लोग तो वो स्विट्ज़रलैंड में अमरीका में बरतानिया में ऐसे ऐसे मुल्कों में जायदादें बनाते हैं ऐसे मुल्कों के बैंक अकाउंट्स में अपने पैसे रखते हैं अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं इलाज वहाँ करवाते हैं अयशियाँ वहाँ कराते हैं जब मरने का टाइम आता है तो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में दफन कर दिया जाए तो ये कब्रिस्तान है अशराफ़िया का कब्रिस्तान है मरना है तो अपनी सरजमीन पर मरना जिस सरजमीन के साथ गद्दारियाँ तो बहरहाल फलियसान मखलिक इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज़ से पैदा किया एक हकीर पानी का कतरा हकीर पानी का कतरा उसकी तरफ अल्लाह ने इशारा किया वो इंसान जो तू अपने आप को बड़ा समझता है अपने आप को जाबिर काहिर फिरौन नमरूद हमान समझता है अपने आप को तूने अपने आप को इस जमीन का खुदा जो है वो सर इस सर इस ज़मीन का खुदा अपने आप को बनाया हुआ ज़रा देख तो सही कि तेरी इब्तदा कहाँ से हैं वो तेरी पैदाइश तेरी इब्तदा तेरी तखलीक कहाँ से हुई है? है ये तो देख कहाँ से इंसान की शर्म गह से निकलने वाला नुतफा और औरत की शर्म गाह में जाने वाला वो पानी एक हकीर पानी का कतरा इमीन जिसको अल्लाह तला ने कहा रसवा कन महीन जो हकीर तरीन जो पानी है उससे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया ज़रा अपनी तख्लीक तक पर तो गौर कर तुझे ये समझ फ़िक्र होनी चाहिए अल्लाह ने तुझे किस चीज़ से पैदा किया किस चीज़ की आकड़ है तुझे फिर आगे वजाहत की किस चीज़ से पैदा किया वो चीज़ की फिर आगे वज़ाहत की मैंने तो सुरह मुल्क की वो आयत आपके सामने उसका लफ्ज़ बयान किया कि मिम मा महिन आगे फरमाया खुल का मि मा इन्दाफिक फरमाया कि वह उछलने वाले एक पानी से पैदा किया गया जब मर्द की शा, जब पानी का खराज मनी का खराज, शहावत के साथ होता है तो वो पानी उछलता है उसकी अल्लाह ने यहाँ ताबीर बयान की मिसाल बयान की वो एक उछलने वाला पानी एक मर्द के शर्मगा से निकलने वाला एक मनी का कतरा, जिससे इस इंसान की तखलीक होती है जो अपने आप को बड़ा बड़ा अपने आप को किसी किसी यानी अपने आप को किसी चीज़ का मालिक समझता है बड़ा फखर करता है बड़ा गुरूर करता है बड़ा तकबर करता है बड़ा घमंड करता है ज़रा अपनी तख्लीक़ और अपनी इब्तदा और अपनी पैदाइश पर तो गौर कर एक हकीर पानी से उछलने वाले पानी से जिस पानी से इंसान नफ़रत करता है ए जिसको हम बुरा समझते हैं जिसको नजासेत समझते हैं जिसको गंदगी समझते हैं जिसके अखराज के बाद इंसान पर गुसल वाजिब हो जाता है उससे इंसान जो है उससे इंसान पैदा किए गए खुल कम्बा इंदाफिक वो तो एक उछलने वाले पानी से पैदा किए गए सुल भी इनसुल वाइब और वह पानी कहाँ से निकलता है उसकी पैदाश की उस पानी के निकलने की जगह बताई कि वो निकलता है जो पीठ और पसलियों के दरमियान से निकलता है। पीठ और पसलियों के दरमिया अल्लाबर तो इसकी आयत की तफसीर साहब किताब ने की कि एक मुकर वक्त तक इंसान की ज़ात की हफाजत और अमाल की निगहदाश्त योम हिसाब के लिए है अगर उसे अपना दोबारा ज़िंदा किया जाना मुहाल मालूम होता है तो उसे अपनी पैदाश पर गौर कर लेना चाहिए कि किस चीज़ से होती है उछलने वाले पानी से जब अल्लाह ताला ने पानी जैसी माया चीज़ पर तख्लीक करके बगैर किसी नमूने के कामिल इंसान को पैदा कर दिया तो जिस कामिल इंसान के अंदर मुकम्मल आदा हैं क़वत है अक़ल है ध्राक है, है हयात है आज़ाई जिसम है तो यकीन वसान को इस मिट्टी से दोबारा पहली सूरत में पैदा करने परदिर है ये आगे वाली जो आयतें आ रही हैं ना कि इन्नः अलही क़ादर यकीन वो उसे दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है उसकी कुछ तफसीर बयान की है कि लोग इस पर शक करते हैं कि यार हमें कैसे दोबारा पैदा किया जाएगा हम जब मिट्टी में मिल जाएंगे मिट्टी में मिट्टी हो जाएंगे तो अल्लाह ताला बता रहा है कि जब इंसान को अल्लाह एक पानी से बना सकता है और उसकी पूरी हयत पैदा कर सकता है तो उसको मिट्टी से बनाना और दोबारा बना देना क्या मुश्किल है जबकि अल्लाह ताली ने पहली दफ़ा बगैर नमूने के उसको बनाया था पहली दफ़ा बगैर नमूने के मिट्टी से बनाया और उसके बाद इंसान की एक तरतीब बना दी को एक पानी से पैदा होना है और दोबारा अल्लाह ताला उसको इसी मिट्टी से दोबारा पैदा कर देगा उसके लिए क्या मुश्किल अल्लाह अकबर तो लकादिर तो 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 वो उसे दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है यकीन वो उसे दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है जो उसे पहली दवा बना सकता है बगैर किसी सैंपल और नमूने के तो उसे दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर सरायर और उस दिन जिस दिन छुपी हुई बातों की जांच पड़ताल की जाएगी तो बला यबल तबला आजमाइश करना जांच पड़ताल करना यहाँ ज़ाहिर किया जाना मुराद है जिस दिन छुपी हुई बातों की जांच पड़ताल की जाएगी या जिस दिन तमाम इसरार को वाजे कर दिया जाएगा तो यहाँ ज़ाहिर किया जाना मुराद है यानी जांच पड़ताल तो उसी वक्त होगी ना जब छुपे हुए अमाल ज़ाहिर होंगे यानी जब क्यामत का दिन होगा उस दिन उसके इंसान के सारे अमाल वो जाहिर कर दिए जाएंगे और फिर उन अमाल की जांच पड़ताल होगी कि अच्छे हैं या बुरे हैं नेगी है या बुर बदी है फमा अल कुनासर तो फिर उस वक्त उसके पास ना कोई कुत होगी और ना कोई मददगार होगा ना कोई कुत होगी और ना कोई मददगार होगा तो ये जो लफ्ज़ आए ना सरायर ये शरीरा की जमा और सिरुन रास को कहते हैं उस दिन सारे राजों को जाहिर कर दिया जाएगा खोल दिया जाएगा उनकी जाँच पड़ताल की जाएगी और सरीरा उस चीज को कहते हैं जो छुपाई जाए तो इससे मुराद वो इरादे नीयतें अकायद और अमाल है जिनका इल्म खुद आदमी के अलावा किसी को नहीं होता वो अमाल जिनका इल्म किसी को दूसरे को नहीं होता वो नीयत है और इरादे जिनका किसी दूसरे को इल्म ही होता तो यो महतुबिलासरायर जिस दिन छुपी हुई बातों को खोल दिया जाएगा जाँच पड़ताल की जाएगी फमाल कु नासिर और उस दिन उस शख्स के पास ना कोई कुत होगी और ना कोई मददगार दुनिया में तो ये होता ना इंसान पर कोई आजमाइश आती है कोई मुसीबत कोई परेशानी वो या अपनी ताकत से उस परेशानी से जान छुड़ा लेता है उस मुश्किल से निकल आता है या कोई मददगार उसकी मदद करता है तो उसको उस मुश्किल से निकाल ले। लेकिन क्यामत के दिन ना कोई कुव्वत होगी ताकत होगी और ना कोई मददगार होगा इस अल्लाह की पकड़ से और अजाब से और उस आजमाइश से और उस जहनो क्यामत के दिन से और उस सवाल जवाब और हिसाब से छुड़ाने के लिए ना उसके पास कोई ताकत होगी यही दो चीज़ें होती हैं ना हम जब किसी मुश्किल में होते हैं तो या हमें हम ताकत के ज़रिए उस मुश्किल से छुटकारा पा लेते हैं कोई मुसीबत आई कोई परेशानी तो ताकत है हमारे पास माल की ताकत है अफरादी ताकत है और जान की ताकत है जिसम की ताकत है दो सहबाब की ताकत है कुंभे बरदरी कबीले की पावर है हमारे पास रियासत की पावर है हुकूमत की पावर है फोर्स की पावर है ये सारी पावर होती है या मददगार कोई आ जाता है हैं आ जाएगा अमरीका बचाने आ जाएगा हैं कौम के साथ मिल्लत के साथ गद्दारी करो क्या है कोई मुश्किल आएगी तो अमेरिका बचा लेगा ले जाएगा हमें हैं अपने पास पना दे देगा या कोई और साहब बहादुर हमारी जान छुड़ा लेगा कौम को रगेत के रखो उसकी इनको जो है ना वो ए, तुन के रखो इनको कुचल के रखो जैसे सितम इनके ऊपर करो जैसे टैक्स लगाओ जैसी महंगाई करो हमारा क्या जाएगा हमारे तो बैंक बैलेंस हमारे अकाउंट हमारी जायदादें तो बाहर के मुल्कों में जब मुश्किल आएगी बाहर चले जाएँगे वो हमें पनाह भी दे देंगे आखिर उनकी हमने खिदमत की फरमाया कि क्यामत के दिन उसके पास ना कोई ताकत होगी और ना ही कोई मददगार होगा बस समाज रज कसम है उस आसमान की जो बार बार बारिश परसाने वाला और रज की तफसीर इमाम मुजाहिद ने बारिश की की है अक्सर मुफसरीन ने भी यही माना किया क्योंकि रज का माना रुजू लौटना है चूँकि बारिश भी बार बार लौटती है पलट कर बरसी से उसे रजा कहा गया इसके अलावा एक सर्कल है एक साइकिल है समंदर का पानी धूप पड़ती है सूरज की रोशनी पड़ती धूप पड़ती समंदर का पानी बुखारा बनकर उड़ जाता है और वो ऊपर जाकर भाप की शक्ल इख्तियार कर लेता है फिर वही बादल बारिश बरसाते हैं और वही पानी जमीन से सिमट कर फिर वही समंदर में पहुंच जाता है तो एक सर्कल है एक लौटना एक साइकिल है एक एक साइकिल चल रहा है जो है ना एक सर्कल चल रहा है एक, एक, एक दायरा चल रहा है समंदर का पानी भाप बनता है भाप पलट कर बादल बनते हैं बादल बारिश ही सूरज में बरसते हैं फिर वो पानी फिर जो है वो पानी फिर दोबारा समंदर में पहुंचता, फिर वहाँ से बाप बनता फिर उड़ता फिर बरसा इसीलिए उसे रजा कहा गया और सद का आगे फरमाया कि वसमाय धात रज कसम आसमान की कसम आसमान की जो बार बार बारिश बरसाने वाला वाल अर्दात सद और कसम ज़मीन की जो फट जाने वाली है सदा का माना पट जाना है क्योंकि ज़मीन को यहाँ जो ज़मीन की कसम खाएगी कि, कि कसम ज़मीन की जो फट जाने वाली इससे मुराद है कि ज़मीन फटती है उससे पौधे निकलते हैं ज़मीन फटती है तो उससे पानी निकलता चश्मे और ज़मीन फटेगी तो उससे मुर्दे ज़िंदा होकर निकलेंगे क्यामत के दिन ज़मीन को फाड़ दिया जाएगा और उससे जो है वो मुर्दे ज़िंदा होकर निकलेंगे एक हदीस में आता है कि क़्यामत के दिन ऐसा भी होगा कि ज़मीन से इंसान पौधों की माने उग उग कर निकल रहे होंगे एक हदीस के अंदर यह भी बयान आता है बहरहाल इ नहुल अकस यकी कौल फैसला कन कौल या फैसला कन कलाम है इससे एक तो मुराद है कि कुरान के बारे में कहा जा रहा है कि कुरान फैसला कन कलाम है फैसला कन कौल है और एक मुराद ये है कि ये जो इंसानों का मर के दोबारा जिंदा होना उठाया जाना यम हिसाब क्यामत का कायम होना इंसानों को दोबारा ज़िंदा करके उनको खड़ा कर देना ये कौल फैसल है ये पुख्ता और पक्की बात है दो टोक बात है वमा हुआ बिलहजल और यह कोई मजाक नहीं है चूँकि बाद मुफसरीन ने इसकी तफसीर की है कि ये कुरान कौल फैसल है इसमें कोई शक नहीं कुरान कौल फसल है फैसला करने वाला कलाम और, और कौल है लेकिन जो पिछली आयात हैं अगर उनकी आयात को और कस्मों की और उनके मानों की मुनासबत को मद्द नज़र रखें तो मुराद यहाँ इन न फ़सल से मुराद ये मालूम होती है कौल फसल से मुराद की आमद बरपा करने और इंसान को दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर होने की बात है ये अल्लाह ताली इस बात पर कादिर है ये कौल फ़सल है ये कोई मज़ाक बात नहीं है ये अल्लाह की ये बात पुख्ता बात है ये कोई मजाक नहीं है ये पक्की और ठक्की बात है इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और आज के दौर में भी कैसे यार मर जाएंगे तो दोबारा जिंदा होंगे जैसे मुलिद लोग मुरतद लोग सेकुलर लोग ये कहते हैं ना बस यही दुनिया की जिंदगी है खा लो पी लो मौज उड़ा लो दुनिया की जिंदगी ख़त्म तो हर चीज़ ख़त्म तो बहुत सारे लोग मुसलमानों में भी ऐसे आजकल कल पैदा हो रहे हैं जो इस चीज़ का इनकार करते हैं कहाँ दोबारा पैदा किया जाएगा दोबारा उठाया जाएगा क्या मत कायम होगी जन्नत और जहनुम ये सब बातें किससे कहानियाँ अल्लाह तला फरमाता है कि ये पक्की पुख्ता बात है कौले फसल है क्या मत बरपा होगी इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा कि अल्लाह इस बात पर कादिर है और ये कोई मजाक बात नहीं है यानी आसमान से बार बार बरसने वाली बारिश और उसकी उसकी नमी से फट कर बीज को उगा कर बाहर ले आने वाली ज़मीन शाहिद है कि तुम्हारे दोबारा जिंदा होने की बात भी दो टोक है जैसे अल्लाह ताला बारिश को बरसाता है ज़मीन को जिंदा करता है उससे फसलों को उगाता है पौधों को उगाता तो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है यार ये पौधे हुए हैं ये फिर इनके बीज फल बनते फिर इनमें से बीज निकलता फिर वो बीज ज़मीन में डालते हैं फिर वो दूसरा पौधा निकलता फिर उससे दरख्त निकलते फिर उसके ये बारिश पलट पलट कर आ रही है ये पौधे पलट पलट कर पैदा हो रहे हैं तो क्या इंसान दोबारा पलट कर दोबारा नहीं आ सकता ये पक्की ठक्की बात है इसमें कोई इस तई मज़ाक की ये कोई बात नहीं है तो फरमाया कि क्यामत के दिन तुम भी इसी तरह जिंदा होकर ज़मीन से दोबारा निकल आओगे आगे वो हदीस आगे अब रह रजील्ला ती मुस्लिम किताबुल फ़ितन के अंदर यह हदीस जिक्र की है बाबू माबई ना नफ़ ख़त नहीं फरमाया कि रसूल वसलम फरमाया कि दो नफ़ों के दरमियान चालीस का फासला होगा वो जो सूर फूका जाएगा ना सूर दो मरतबा फूँका जाएगा वह नफ़ा जो सूर है दो मरतबा फूँका जाएगा उसके दरमियान चालीस उस चालीस की वजहत नहीं कि वो चालीस चालीस मिनट हैं चालीस घंटे हैं चालीस दिन हैं उसकी मुद्दत कितनी इसकी वजात नहीं लेकिन वो जो दो नफ़े जो दो सूर दो दफ़ा सूर फूका जाएगा उसके दरमियान चालीस का फासला होगा फिर आसमान से बारिश होगी लोग इस तरह उगेंगे जिस तरह सब्जियाँ उगती हैं जिस तरह पौधे उगते हैं और इंसान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो बोसीदा ना हो सिवाय एक हड्डी और वह दम की हड्डी है क़्यात के दिन उसी से मखलूक को पैदा किया जाएगा तो वमा हुआ बिलहज़ल यानी दोबारा ज़िंदा होने की बात उनसे मजाक के तौर पर नहीं की जा रही दोबारा जिंदा होने की बात कोई मदाक के तौर पर नहीं की जा रही ये हकीम अलीम का कौल है किसी जाहिल का नहीं जो मजाक कर रहा हो मुा इस्लाम की कौम ने भी गाय जिमा करने के हुक्म पर उनसे कहा था क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि अन अखून मिनबी का अदबी आउदुबी का या किस तरह वो कुरान की आयत है कि हैं हाँ, हाँ. कि मैं पना चाहता हूँ अन नकून मिला जाहिलन के मैं जाहलों में से हो जाऊँ जब मूस इस्लाम ने उनको कहा था गाय जिबा कर उनका तुम हमारे साथ मजाक करते हो उनका मैं अल्लाह की पना चाहता हूँ इस बात से मैं जाहलों में से हो जाऊँ ये मजाक करना ठट्टा खुफिया तदबीर करते हैं काफ़िर मुशरक मुनाफ़ खुफिया तदबीर करते हैं वाकीद अल्लाह ताली फरमाता मैं भी खुफिया तदबीर करता हूँ वो भी चाले चलते हैं मैं भी चाले चलता हूँ यानी ये लोग को झुटलाने और दीन हक़ को मिटाने के लिए खुफिया तदबीरें करते हैं और मैं भी काफिरों को मोहलत दीजिए और इनको थोड़ी सी मोहलत दें थोड़ा सा टाइम दें थोड़ा सा इनको पीरियड दे थोड़ी सी इनको मोहलत दे फरमाया कि आप इनकी मुखालफत से ना घबराएं और ना जल्द आदाब की दुआ करें पैगम्बर को ये भी कहा जा रहा है कि आप जल्द आदाब की दुआ भी ना करें काफिरों को थोड़ी सी मोहलत दें मेरे कहने पर उन्हें थोड़ी सी मोहलत दें इन्होंने आखिर मेरे पास ही आना फिर मैं हूँगा मेरी क़वत इकतदार ताकत होगी और ये काफिर होंगे और मैं इनसे निमट लूँगा मकसद ये है कि पैगम्बर आप जल्दी ना कीजिए परेशान भी ना हुई इनकी तदबीरों से घबराइए भी ना और इन पर जल्द आदाब की बद भी ना कीजिए इनको थोड़ी सी मोहलत दीजिए ये सुधर गए तो ठीक नहीं तो फिर आखिरकार अंजाम तो मेरे पास ही आना है और फिर मैं इनसे बदला लूँगा तो ये था हमारा सूरत तारिक का मुख्तर तर्जुमा तफसर अल्लाह ताला से दुआ जो कुछ कहा गया पढ़ा गया सुना गया अल्लाह तला समझने और उस पर अमल करने की तोफीकता फरमाए वाना अलहमदिल्ला रबालमिन अगला जुमा जो आने वाला जुम्ह इन शिन का जो दरस है वो मैं खुद इनशा करूँगा और मौजू का इंतब नहीं हुआ इनशाला कोई भी मौजूद मुनासबत से इनशा बयान किया जाए अल्लाह तमन की तफरी कदा फरमाए अलग वरह वर्क